दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सवाना एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और दोस्तों आपका जो ओटीपी है वो नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सवाना एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई अपडेट वगैरह आया है तो दोस्तों यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद दोस्तों यहां से आपको बैक आ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको आपकी जो मोबाइल की नोटिफिकेशन बार है उसे ओपन करना है और दोस्तों यहां पर आपको चेक करना है कि दोस्तों आपका जो मोबाइल का डेटा है वो परफेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर दोस्तों आपका मोबाइल का डेटा नहीं चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लाइट मोड को ऑन और ऑफ कर देना है, जिससे कि दोस्तों आपका जो मोबाइल का डेटा है वो परफेक्टली चलने लग जाएगा और दोस्तों आपका जो ओटीपी आ जाएगा। अगर दोस्तों ये करने के बाद भी अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सवाना एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन का फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की साइड में परमिशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी जो परमिशन है वो अलाउ कर देनी है। तो गाइस यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी परमिशन अलाउ कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहां से हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहां पर हमें स्टोरेज एंड चेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्लियर स्टोरेज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके दोस्तों यहां से इसका जो डेटा है वो यहां से क्लियर कर देना है। तो गाइज इसके बाद आपका जो ओटीपी है वो आने लग जाएगा। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप सवाना एप्लीकेशन के अंदर ओटीपी नहीं आ रहा इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।